नमस्कार दोस्तों, हम विशेष रूप से टॉपिक पढ़ेंगे क्लासिकल डांस, जिसे शास्त्रीय नृत्य के नाम से भी जानते हैं। हम क्लासिकल डांस पढ़ें उससे पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि हमारे द्वारा बनाए हुए वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप उस पर कमेंट भी कीजिएगा और उस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। हम पढ़ेंगे क्लासिकल डांस। इसके लिए हमारे पास एक विशेष ट्रिक है, हालांकि ट्रिक थोड़ी सी टेढ़ी है क्योंकि ये नाम भी अपने आप में विशेष है। ओम कका को कुआ पर भरत मौके पर मिले। ओम कका को कुआ पर भरत मौके पर मिले। ओ का मतलब ओडिसी, ओडिसी का संबंध ओडिशा राज्य से, यानी ओडिसी शास्त्रीय नृत्य का संबंध ओडिशा राज्य से। मय का मतलब मणिपुर, यानी मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य का संबंध मणिपुर से। कै का मतलब कथकली, फिर अगले कै का मतलब केरल, कथकली शास्त्रीय नृत्य केरल। अगले के का मतलब कथक। ओ को ऊपडो, उत्तर भारत, कथक शास्त्रीय नृत्य का संबंध उत्तर भारत से। कू का मतलब कुचिपुड़ी। आ का मतलब आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का संबंध आंध्र प्रदेश से। पर का कोई अर्थ नहीं। भरत का मतलब भरतनाट्यम। तय का मतलब तमिलनाडु। मो का मतलब मोहिनीअट्टम और के का मतलब केरल, यानी मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध केरल से, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य का संबंध तमिलनाडु से। पर मिले इसका कोई अर्थ है नहीं। अब पढ़ते हैं थोड़ा विस्तार से। जैसे हम विशेष रूप से पढ़ रहे हैं शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य में भरतनाट्यम, क्षेत्र तमिलनाडु। इसकी नृत्यांगना है यामिनी कृष्णामूर्ति, मृणालिनी साराभाई। नंबर दो है कुचिपुड़ी, इसका संबंध आंध्र प्रदेश से। इसकी नृत्यांगना यामिनी कृष्णामूर्ति, सौपन सुंदरी। नंबर तीन है मोहिनी अट्टम, जिसका संबंध है केरल राज्य से। इसकी प्रमुख नृत्यांगना है हेमा मालिनी। नंबर चार है कथकली, इसका संबंध केरल राज्य से। इसके प्रमुख नृत्यांगना है उदय शंकर कृष्ण नायर, मृणालिनी साराभाई। नंबर पाँच है ओडिसी, इसका संबंध ओडिशा से। इसके प्रमुख नृत्यांगना संयुक्त पाणिग्रही, सोनल मानसिंह, केलुचरण महापात्र। नंबर छः है मणिपुरी, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य का संबंध मणिपुर से। इसके प्रमुख नृत्यांगना है गुरु अमली सिंह, जावेरी बहने, यानी जावेरी बहनों में दर्शन, नैना, सुवर्णा और रंजना। नंबर सात है कथक, कथक का संबंध है उत्तर भारत से और इसकी प्रमुख नृत्यांगना है बिरजू महाराज। ये हैं प्रमुख नृत्य और उनके प्रमुख नृत्यांगना। अब है शास्त्रीय नृत्यों के प्रचार और प्रसार के लिए कुछ विशेष संस्थान हैं, जैसे कथकली नृत्य शैली का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान भरतपुषा स्थित केरल कला मंडलम है। नंबर दो है संगीत नाटक अकादमी, इसकी स्थापना 31 मई 1952 को हुई। इसका प्रमुख जो मुख्यालय है वो रविंद्र भवन नई दिल्ली। और नंबर अगला है ललित कला अकादमी, 11 मार्च 1954 नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ये था दोस्तों प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, जो किसी भी एग्जाम में अपने आप में विशेष और महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। हम अगले वीडियो में इसी प्रकार के छोटे छोटे वीडियोस पढ़ते रहेंगे। यदि आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो जुड़े रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल से। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।